राजस्थान में 24 अप्रैल से शुरू हुई महंगाई राहत शिविर को लेकर सीएम गहलोत खुद मॉनिटरिंग में जुट गए हैं। इसी के तहत सीएम गहलोत राहत शिविर के दूसरे दिन अवलोकन के लिए काला डेरा पहुंचे, जहां सीएम ने शिविर का अवलोकन कर आम जनता से बातचीत की और उनकी राय जानी। वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश की जनता को राहत देने में उनकी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश भर में शुरू की महंगाई राहत कैंप को लेकर एक बार फिर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। खबरों की माने तो कोटा विधायक मदन दिलावर ने कैंप में कई तरह की सुविधा आम जनता को नहीं मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई, जिसके बाद सीएम गहलोत ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को जमकर कोसा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 अप्रैल को अजमेर में कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ जन आक्रोश महाघेराव किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सबसे पहले बीजेपी नेताओं द्वारा शहर के सूचना केंद्र चौराहों पर आम सभा को संबोधित किया गया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। वहीं प्रदेश व्यापी जन आक्रोश महाघेराव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी अजमेर पहुंचे। राजस्थान के जोधपुर में पाक विस्थापित बस्ती पर जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की। खबरों के माने तो जेडीए ने 70 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। मैं इस कार्रवाई में जिनके मकान टूटे हैं वो सभी पाकिस्तान से आए हिंदू हैं। इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के लिए की गई। मैं पीड़ित हिंदुओं का कहना है कि उन्होंने ये जमीन खरीदी है। 25 अप्रैल की सुबह सुबह राजधानी जयपुर की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खबरों के माने तो 1000 पुलिसकर्मियों ने राजधानी में कई टीमें बनाकर बदमाशों के ठिकानों पर रेड की। पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई से अचानक बदमाशों में हड़कंप मच गया। वहीं जिला पुलिस ने इस कार्रवाई में लगभग 300 से ज्यादा बदमाशों को डिटेन किया। हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत लगभग 30 आरोपियों को विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें एक टीम में वो खुद और दूसरे में एसआई विजेंद्र शर्मा, एसआई देवेंद्र कुमार, ओम प्रकाश और राजवीर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। वहीं पोहड़का निवासी एक बाल अपचारी ने करीब 6 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इसके अलावा विभिन्न मामलों में वांछित अपराधी आबकारी अधिनियम में भी कार्रवाई की गई। नागौर जिले के नरपत सारण हत्याकांड मामले में जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खबरों के माने तो पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 10,000 के इनामी बदमाश राजू नेतर को दस्तियाब किया है। पुलिस के मुताबिक राजू जयपुर से जालौर भागने की फिराक में इसी दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दौसा के बांदीकुई शहर के फर्नीचर व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया। खबरों की माने तो धौली गुमटी रेलवे फाटक पर कार सवार बदमाशों ने फर्नीचर व्यापारी का किडनैप किया, फिर उससे 25,000 रुपए और मोबाइल लूटने के बाद शेखपुरा गांव के पास पटक कर बदमाश फरार हो गए। वही पुलिस ने रात 3 बजे व्यापारी को दस्तियाब कर लिया। भीलवाड़ा जिले के औद्योगिक क्षेत्र गठीला खेड़ा में अज्ञात कारणों के चलते स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आग का गुबार आसमान में देखा जा सकता था। वहीं देखते ही देखते गोदाम में रखा स्क्रैप जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया।